हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज का जो टॉपिक है इस बस तरह से है कि आपकी जिंदगी में आपके पार्टनर जो है उनकी करेंट सिचुएशन क्या है क्या वो कहना चाहते हैं हम मैसेज के थ्रू भी देखेंगे ऑफकोर्स सो लेट्स ही लेट्स फाइंड आउट व्ट डज योर पार्टनर थिंक अबाउट यू एंड वट डज ही शी वॉन्ट टू से टू यू ओके सो लेट्स लेट्स फाइंड आउट गाइड टाइमलेस है कलेक्टिव है फॉर ऑल जो डेक साइंस एंड इट इज अ जनरल पटिशन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू स्पिर एंड थैंक यू गाइड्स प्लीज गाइड करें यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के जिंदगी में उनके पर्सन जो है क्या उनके लिए सोच रहे हैं क्या विचार है उनके एंड ऑफकोर्स क्या कहना चाहते हैं क्या सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है पिछले सात आठ महीनों से बहुत ज़्यादा गिल्ट में है सात आठ महीने से हो सकता है सात आठ दिन से भी हो सकता है बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग है और काफ़ी ज़्यादा अपने ही करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पे हो सकता है इंसान अगर बिजनेस पर्सन है एक जगह में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉसेस होते जा रहे हैं दूसरा जगह री इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को फिर भी कहीं ना कहीं पे सोल्यूशन नहीं निकल रहा है मुनाफा जो कमाना था वो नहीं हो पा रहा है फैमिली वाइज उनके जो है उनके पेरेंट्स हो सकता है कि बहुत फोर्स कर रहे हैं उनको कुछ चीज़ों को कराने के लिए सो so, वो सारे चीज को करना नहीं चाहते हैं बेसिकली और राइट सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हैरेस्ट हो रहे हैं ठीक है अपने सीनियर से भी हो सकते हैं इफ़ दे आर वर्किंग समवेयर दे आर बिंग हैरेस्ट दे आर बिंग पॉलिटिकली लाइक अप्यूज हो जाता है कि उनके जो कलीग्स हैं उनके जो जूनियर्स हैं एक समय ऐसा था जब वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर बनते थे अपने जूनियर्स के सामने और ऐसा आप जानते ही हो ऊँच नीच हो जाता है बातों में आर्गुमेंट्स हो जाता है तो वो इन वो लोग जो है एक ग्रुप बना के इनको अवॉइड कर रहे हैं अगर ये कहीं पे लंच में जाते हैं तो उनके साथ नहीं जाते हैं या अगर ये एक टीम लीडर भी है अगर ये मैनेजर भी है तो भी इनका बात सुनने का तो दूर की है ये ये वो लोग जाके हायर अथॉरिटीज में कंप्लेन कर देते हैं कि ये बहुत बॉसी एटीट्यूड है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है हम इसके अंदर काम नहीं कर सकते इनको चेंज करवा दो इस तरह का बात है सो तो ये काफी प्रेशराइज है इनको भी हायर अथॉरिटी से सुनना पड़ता है अगर आप अपना काम कंटिन्यू करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस समय पे कहीं कही ना कहीं पे यू आई फील लाइक दैट कि दे नीड यू द मोस्ट और इनको अभी वो सारे चीजें रिपीट हो रहे हैं फ्लैशबैक में जा रहे हैं कि उन्होंने माइलस्टोन अचीव करने के लिए कहीं कही ना कहीं पे सक्सेस को पाने के लिए एक समय में रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा लूजली इन्होंने लिया था वो चीज सही नहीं था यहाँ पे उनको लग रहा है कि जैसे यहाँ पे देखो एक एलियन जैसा कुछ फेस यहाँ पे आ रहा है और आई एंड आई डू फील दैट यहाँ पे एक एलिफेंट की भी फेस आ रही है अगर अब इस तरह से देखें तो बेसिकली आई डिफाइन कि उनको ऐसा अभी लगना शुरू हो चुका है कि एबंडेंस एक हद तक सही है बाकी जो चीज़ें है वो बहुत ज़्यादा बिज़ायर हो जाता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है टेम्पटेशन को उनको कंट्रोल कर लेना चाहिए था अगर इन्होंने आपको छोड़कर कोई दूसरे रिलेशनशिप में भी जाके सीक्रेटली इन्वॉल्व हुए हैं तो भी इस इंसान की यहाँ पे पश्चाताप दिखाई दे रहा है कि दे आर रियली अशेंड ऑफ वट हैव डन कुछ लोग आपके पर्सन काफी जिद्दी थे एरोगेंट थे एंड डेफिनेटली दे हैड शोन अ डल एटीट्यूड टूअर्ड्स यू उन्होंने आपको जो एटीट्यूड शो किया था काफ़ी ज्यादा मतलब दे वर वेरी विम्सिकल अच्छा आज है कल परसों फिर उनका मूड ऑफ हो जाना फिर व्यवहार उनका खराब हो जाना ये सब कुछ चीज़ आपने भी बहुत कुछ टॉलरेट किया हुआ है अभी ऐसा ये मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो आप बहुत बेटर पोजिशन में हो उनसे और वो काफ़ी जेलस भी होते हैं दे आर जेलस दैट मे बी दे थिंक दैट यू विल नॉट रिटर्न इन देयर लाइफ ऐसा उनको लगता है कि आप उनके ज़िंदगी में और वापस नहीं जाओगे कुछ लोगों के लिए अगर ये हस्बैंड वाइफ कनेक्शन है तो तो लगता ही है अगर आप उनसे दूर है सेपरेटेड है सो तो लगता है आप अपने उनको लगता है कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हो शायद आपकी फैमिली आपको दूसरे जगह पे शादी वादी भी करवा देंगे बट उनका क्या होगा वो तो अकेले पड़ जाएंगे उस तरह से टेन टेन नंबर्स यू कैन सी मोस्ट ऑफ एन टेंथ डेट ट्वेंटी एट फर्स्ट डे ऑफ एनी मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट अक्टूबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है जनवरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है नवम्बर इम्पॉर्टेंट हो सकता है hmm. मैं शेप को देखने की कोशिश कर रही हूँ आई फाइंड कि आपके घर में शायद इनके और उनके कोई फोटोज़ होंगे जो आपने फोटो फ्रेम में रखा है ओके okay. या उस फोटो फ्रेम को आपने हाइड करके रखा है अगर आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे इस रिश्ते को मतलब यू हैव ऑलरेडी अ फोटो फ्रेम विद दिस पर्सन या आप काफ़ी ज़्यादा फोटोज क्लिक किए हो उनके साथ और आप से देखते ही रहते हो अगर ये कनेक्शन सही है तो आपके पर्सन आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सात आठ दिन के बाद उनका वर्कलोड कम हो जाएगा तो ये आपके साथ कोई ऐसे जगह पे घूमने जाएंगे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका मिलेगा इनको आपके साथ टाइम बिताने का और काफ़ी इंटीमेट हो पाएंगे आपके साथ काफ़ी फ्रेंकली ये बातचीत कर पाएंगे सो दे मे टेल यू टू वेट फॉर मोर एट टू नाइन डेज मे बी बिकॉज दे आर लोडेड विद वर्क अगर आपके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा है तो मे बी दे से यू दैट हो सकता है कि हम लोग वीकेंड्स में कहीं और चले जाए उस तरह से आई डू फाइंड कि कोई एनिमेशन या गेमिंग जोन में आपके पार्टनर काम करते हैं कुछ एनिमेटेड रिलेटेड इश्यूज मे बी कस्टमाइजेशन मे बी कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर फंक्शंस कुछ इस तरह से ओके okay. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थ्रिलर और सस्पेंस और एक्शन मूवीज देखना पसंद करते हैं यस दे आर वेरी स्ट्रांग ना दे आर वेरी स्ट्रांग मस्क्यूलर अगर ये मेल है काफ़ी मस्क्यूलर है ये मतलब फिट बॉडी अगर ये थिन भी है तो फिट है बहुत ज़्यादा बट उनकी आदत बहुत ख़राब है ये इंसान हर एक चीज में पोक करते रहते हैं आपको एज कैन बी इम्पोर्टेंट एज से एक रूम भी आता हैगलेस ओके सो आई डू थिंक सो द बेसिक थिंग्स लाइक दैट यू नो वर्ड ये इंसान चाहते हैं कि हर एक चीज़ को अपने तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है पर ये भूल जाता है कि हमेशा ही कि सबसे ऊपर जो होता है वो है नेचर ठीक है सो प्रकृति से कुछ बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता लेकिन कभी कभी इनको गलत फहमी हो जाता है कि इनका डिसीजन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों का डिसीजन और इम्पॉर्टेंस नहीं रखता है इस तरह से ये इंसान जो है शायद आपको कभी बोले होंगे कि यू नो वट आई लव माई पेरेंट्स आर लॉट मुझे उनके उनको छोड़ के कहीं और जाना नहीं है कहीं और मुझे सेटल नहीं होना है और अपने पेरेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा मानता हुआ बहुत ज़्यादा मानती हूँ इनको छोड़कर मुझे मेरा और कोई जिंदगी है ही नहीं इस तरह से तो आपने सोचा कि इंसान काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान है दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी बट कभी कभार ये इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जा रहे हैं कि सिचुएशन इस तरह से है कि अपने फैमिली को भी भूल जाते हैं उनको फ़ोन करना या उनके रेगुलर टच में रहना या उन्होंने आपको कहा था कि आप मेरे फैमिली के बाद इम्पोर्टेंस बहुत रखते हो मेरे लाइफ में बट देर इज़ अ केयरलेस एटीट्यूड ऑलवेज इन दिस पर्सन अभी इनके पास कोई गाइड करने वाला है नहीं उनको कोई दिशा दिखाने वाले कोई है नहीं बहुत ज़्यादा इस हालत में है जहाँ पे इनके पैर और हाथ जैसे बाधे हुए हैं इट्स लाइक द एट ऑफ वर्ड्स कनेक्शन की जहाँ पे ये बिल्कुल फंस गए और जब कोई रोक देता है जैसे रोक टोक कर रहा है उनके लाइफ में कोई उनको बाधाएं दे रहे हैं चाहे उनके फाइनेंशियल सिचुएशन उनको बाधाएं दे रहे हैं चाहे उनको करियर उनको बाधाएं दे रहे हैं चाहे उनके फैमिली हो चाहे उनके खुद के रेस्ट्रिक्शंस हो खुद के गलती हो उनके नाजायज़ रिश्ते हो जो भी है सम वन और समथिंग इज़ ट्राइंग टू स्टॉप दिस पर्सन टूअर्स यू और अगर आपके साथ ये अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो आप मान के चलो ये इंसान आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं समटाइम्स पॉजिटिवनेस इज़ गुड बट समाइम्स पॉजिटिवनेस इज ऑल्सो बैड cancer, scorpio and pisces can be important. their name can start with h, i, hiv, l, p, o, n. they can be a doctor or they can be like in the field of uh, yes. दे कैन वी जैसे मैंने आपको कहा कि एनिमेशन okay, में हो सकता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दे कैन वी इन द कस्टमर सेंटर डिपार्टमेंट्स ओके मल्टी नेशनल कंपनीज में हो सकता है ये जो कंपनी काफ़ी फेमस है लोगों के नाम मतलब लोग उनके मतलब जो कंपनी का नाम है लोग चर्चा करते हैं उस कंपनी का ओके okay. या आपके साथ इंटर ट्विनिंग होना चाहते हैं देखो कैंडल भी आया है यहाँ पर सो बेसिकली दे वन टू सी द लाइट थ्रू यू वो आपके द्वारा इस ब्रह्मांड में इस दुनिया में वो रोशनी देखना चाहते हैं बिकॉज दे फील लाइक यू नो वर्ड दैट यू आर द अल्टीमेट पर्सन इन देर लाइफ ओके अभी हम थोड़ा मैसेजेस देख लेते हैं कभी कभी इनको बहुत सरदर्द भी हो रहा है सिमिलरली वो आपके ऊपर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका माई फीलिंग्स विल नेवर डिमिनाइश एंड विल कीप ग्रोइंग स्ट्रॉगर एवरी डे उनके फीलिंग्स आपके लिए कभी भी मिठ नहीं सकते बल्कि और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं डे बाई डे वेरी गुड योर लाइट स्टिल शाइन्स फ्राम माइल्स अवे देखो लाइट मैंने आपको कहा था लाइक अ स्टार दैट्स ब्राइट दैट्स लाइट यवे कोसो दूर है ठीक है सितारे और चांद लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि आपकी रोशनी मेरे ऊपर आ रहा है इट्स लाइक दैट सेकंड गाइस इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिसीट एंड लाइज आई फील लकी वेन आई सी द लव इन योर आइज ये जो दुनिया है बहुत ढोंगी है यहाँ पे बहुत फेक है बनावटी है लेकिन इस दुनिया में ही ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी समझते हैं जब वो प्यार आपके आँखों में देखते हैं योर लव इज़ फूड फॉर माई हार्ट माइंड एंड सोल विदाउट विच आई कैन सर्वाइव अ सिंगल सेकेंड यू नो माई हार्ट बिट्स फॉर यू एंड ओनली यू वो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्यार उनके लिए खाना है क्या किस खाना अपने हृदय का अपने दिमाग का अपने आत्मा का जिसके बिना तो खाने के बिना तो कोई सर्वाइव कर ही नहीं सकता सिंगल सेकेंड भी नहीं कर सकते और आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके दिल हर बार धड़कता है आपके लिए सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट दे वांटेड टू से टू यू और इनके फीलिंग्स या सिचुएशन कुछ इस तरह से है सो आई डू बिलीव दैट यू लव द रीडिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब This is a power couple sign. This is a powerful superhuman sign. So please clean the reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and.